हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नेम है रंगा मैरिज। और हम लोगों ने इस स्टोरी का, इस चैप्टर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस साइट पर आपको लिंक मिल जाएगा और इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, आपको इधर साइट पर मिल जाएगा। आपको लिंक, सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं, इस वजह से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो फिर हमारे चैनल का जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो फिर आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन वाला बटन दबाना है। फिर उसके बाद आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है अपने सारे भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करना है आपको हमारी वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रंगास एजुकेशन, हिज व्यू ऑन मैरिज एंड फाइनली हाउ ही गॉट मैरिड। रंगा की जो भी एजुकेशन है उसके बारे में हमें बताना है और उसका जो मैरिज के बारे में जो भी उसका नज़रिया है उसके बारे में हमें बताना है, और आखिरकार उसकी जो मैरिज होती है, वो मैरिज हो जाती है तो वो कैसे होती है, उसके बारे में बताना है। सो आंसर है हमारा, रंगा वॉज द सन ऑफ एन अकाउंटेंट ऑफ अ होसाली विलेज। होसाली नामक गाँव के अकाउंटेंट का लड़का था रंगा। ही मेड न्यूज़ व्हेन ही वेंट टू बैंगलोर टू स्टडी फर्दर। जब वो बैंगलोर में पढ़ाई करने के लिए जाता है तब एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है उसकी, मतलब कि बैंगलोर में पढ़ना ही केवल उसके लिए, पूरे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इन दोज डेज, उन दिनों पर, नॉट मैनी पीपल कुड स्पीक और एवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। उन दिनों में बहुत सारे लोग इंग्लिश को ना तो समझ सकते थे और ना ही बोल पाते थे, इसलिए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी घटना थी रंगा का बेंगलोर जाके पढ़ना, ठीक है। सो व्हेन ही रिटर्न्ड होम आफ्टर 6 मंथ, जब वो अपने घर पे 6 महीने के बाद वापस आता है, तब अ क्यूरियस क्राउड ऑफ विलेजर्स गैदर्ड एट हिज हाउस टू सी द चेंज इन द बॉय। दे वर डिसअपॉइंटेड। लोग रंगा को देखने आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रंगा में 6 महीने बाद जो ये पढ़ाई करके आया तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट होगा, काफ़ी कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो रंगा है वो पहले की तरह ही था, यानी कि वो 6 महीने पहले जैसा था ठीक वैसे ही आज भी है। और इसी वजह से लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, इसी वजह से गाँववासी जो होते हैं वो निराश होते हैं कि भाई हमने तो रंगा से उम्मीद की थी कि रंगा में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव होगा, लेकिन रंगा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, रंगा वॉज अनविलिंग टू मैरी अ वेरी यंग एंड इमैच्योर गर्ल। रंगा जो है वो एक बहुत ही यंग और इमैच्योर गर्ल से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। ही वॉज विलिंग टू रिमेन अ बैचलर अंटिल ही फाउंड द राइट गर्ल। वो तब तक कुंवारा रहना चाहता था जब तक कि वो एक सही लड़की का चुनाव ना कर ले। ही वॉज अपोज्ड टू अरेंज मैरिज। वो अरेंज मैरिज के खिलाफ था। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, डैट वॉज ही क्लियर कट फिलॉसफी। एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिस लड़की के बारे में वो कुछ ना कुछ प्रशंसा के शब्द कह सके, ऐसा रंगा का मानना था, ठीक है। बट द नरेटर रिजॉल्व टू गेट रंगा मैरिड एट द अर्लीस्ट। बट द रंगा, आई मीन प्लीज़ बैकग्राउंड वाली जो भी नॉइस है तो प्लीज़ उसको रिमूव करिएगा, ठीक है। बट द नरेटर रिजॉल्व टू गेट रंगा मैरिड एट द अर्लीस्ट। जो नरेटर हैं उसने ठान लिया था रंगा की शादी करवाने का, क्योंकि उसे पता था जो रंगा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और उसका जो सोचना है वो भी बहुत अच्छा है, इस वजह से उसकी
शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। ही सो मैनिपुलेटेड द, इसके आगे है हमारा ही सो मैनिपुलेटेड द सिचुएशन दैट दंगा सा यंग रत्ना, जो हमारे नरेटर थे यानी कि श्यामा जी, उन्होंने ठान लिया था कि भाई जो रंगा है उसको हम रत्ना के साथ उसकी शादी करवा के देंगे। इसीलिए जब रंगा उन्होंने जो हमारे नरेटर है उन्होंने कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसी हेर फेर किया कि जिससे कि रंगा और रत्ना आपस में मिल जाए। तो जब रंगा ने रत्ना को देखा गॉट अट्रैक्टेड टू हर एंड विथ द सेक्शन ऑफ शास्त्री एस्ट्रोलॉजी मैरिड हर। और उसके बाद जब रंगा की मुलाकात रत्ना से होती है तब वो अट्रैक्ट होता है रंगा रत्ना के प्रति। और फिर उसके बाद शास्त्री जी जो गांव के शास्त्री जी थे उनकी उपस्थित उनके बीच में उनका भी थोड़ा सा किरदार आता है। फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है रंगा और रत्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई एंड हाउ डज द नरेटर कंस्पायर टू गेट रंगा मैरिड, यानी कि जो रंगा जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने रंगा की शादी के लिए जो भी रणनीति बनाई थी वो क्यों बनाई थी और कैसे बनाई थी। रंगा बहुत यंग एजुकेटेड जेनरस एंड प्रॉमिसेस वो बॉय, जो रंगा है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित और उदार और होनहार लड़का था। बट ही वॉज एडमेंटेड नॉट मैरिंग अ वेरी यंग एंड इमेच्योर गर्ल सेलेक्टेड बाई हिज पेरेंट्स, और वो नहीं चाहता था कि अपने पेरेंट्स के द्वारा जो भी एक बहुत ही यंग और इमेच्योर गर्ल जो भी चुनी जाएगी वो उससे शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ही वॉज बेंट रिजॉल्व टू गेट ही मैरिड टू रत्ना द 11 ईयर ओल्ड नेस ऑफ रामाराव, जो नरेटर है उन्होंने भी दृढ़ संकल्प ले लिया था कि रंगा की शादी तो मैं रत्ना से ही करवाऊंगा, जो कि रामाराव की भतीजी है 11 साल की है वो। सी कुड प्ले द हारमोनियम, वो हारमोनियम बजा सकती है एंड एवन हैड अ स्वीट वॉइस, और साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद हमारा लिखा हुआ है कि द नरेटर ब्रॉट रत्ना एंड रंगा फेस टू फेस एट हिज ओन हाउस, नरेटर जो है हमारे उन्होंने रंगा और रत्ना को अपने घर में आमने सामने उन्होंने लाए। ही रज़ द बॉय इंटरेस्ट इन द गर्ल, उन्होंने रंगा का इंटरेस्ट रत्ना में डेवलप किया। ही डिक्लेयर्ड दैट द गर्ल वॉज ऑलरेडी मैरिड, और उन्होंने रंगा से रत्ना के बारे में कह दिया कि जो रत्ना है वो 1 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। बट इट वॉज अ लाई, लेकिन उन्होंने ये बात झूठ बोली थी। ही कंस्पायर विद शास्त्री टू फर्दर रंगास इंटरेस्ट इन रत्ना, ही कंस्पायर विद शास्त्री टू फर्दर रंगास इंटरेस्ट इन रत्ना, उन्होंने रंगा के अंदर रत्ना के प्रति इंटरेस्ट डेवलप किया। रंगा वॉज मेड टू बिलीव डैट एवन अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ही वॉज डेस्टिनी टू मैरी रत्ना, उन्होंने जो हमारे नरेटर है उन्होंने शास्त्री जी से कह दिया कि भाई आपको रंगा को विश्वास दिलाना है कि शास्त्रों के अनुसार भी जो रत्ना है वो उसके लिए बहुत ही सही लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली नरेट द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी रंगास मैरिज, ये जो हमारी स्टोरी है रंगा मैरिज इसका जो मेन इवेंट है यानी कि मेन जो इसका पॉइंट है वो क्या है इसके बारे में बताना है। रंगा इज़ द सन ऑफ अ विलेज अकाउंटेंट, जो रंगा है वो इस गांव के मुंशी का बेटा है। ही बिकम अ हीरो, इस पूरी स्टोरी का वो एक हीरो है एक नायक है। व्हेन ही गोस टू बैंगलोर फॉर स्टडी, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए बैंगलोर पढ़ने जाता है। व्हेन द रिटर्न टू होसाली विलेज, जब वो वापस आता है फिर अपने गाँव आफ्टर 6 मंथ 6 महीनों के बाद। द पीपल मेक अ क्राउड एट हिज हाउस, तभी लोग उसके घर के बाहर खूब बड़ी सी भीड़ लगा लेते हैं। दे आर क्यूरियस टू सी चेंज हिम, और वो सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं उसके अंदर बदलाव देखने के लिए। बट दे गो बैक डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बाद में निराश हो जाते हैं। रंगास व्यूज अबाउट मैरिज आर नॉट क्यूट डिफरेंट आफ्टर हिज स्टे इन द सिटी, रंगा जिस जगह पे रहता है उस जगह के लोगों का जैसा सोचना है उनके सोचने से रंगा का जो भी नज़रिया शादी को लेकर के उसका नज़रिया बहुत ही ज़्यादा अलग है। ही डिक्लेयर्ड ही वुड मैरिज अ मैच्योर गर्ल, उसने पहले से ही बता रखा है कि भाई मैं एक मैच्योर गर्ल से शादी करूँगा यानी कि एक समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ। Whom he himself select and admire, और साथ ही साथ वो मतलब उसी लड़के से शादी करेगा जिसको वो खुद पसंद करेगा जिसको वो खुद चुनेगा। The narrator Shyama is provoked to get him married to the young
11 ईयर ओल्ड नीस ऑफ रामा राव जो नरेटर हैं, उन्होंने भी उसकी शादी 11 साल की जो भतीजी थी रामा राव की उसके साथ उन्होंने कराने का निर्णय ले लिया था। ही कॉल्स बोथ ऑफ देम टू हिज हाउस, उन्होंने उन दोनों को ही अपने घर पे बुलाया। रत्ना कम टू फेच बटर मिल्क, और जो रत्ना है उसको अपने घर पे छाछ लेने के लिए बुलाया, और उसी टाइम पर रंगा ने उसको गाते हुए सुन लेता है। फिर उसके बाद उसको रत्ना में इंटरेस्ट उसका डेवलप हो जाता है। श्यामा ट्विटर द विलेज सासरी हु डिक्लेयर डैट द गर्ल कॉल्ड रत्ना इज राइट मैच फॉर हिम, और श्यामा जो है हमारी स्टोरी के जो नरेटर हैं उन्होंने गांव के सासरी जी को समझा दिया कि किस तरह से आपको रंगा से ये कहना है कि भाई जो ये रत्ना नाम की लड़की है वो कितनी सही है आपके लिए, बिल्कुल सही है आपकी शादी के लिए, यानी रंगा को समझाना है। द मैरिज इज सोलेमन सून, और जो उनकी शादी है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। रंगा नेम ही इज़ फर्स्ट बोर्न सन आफ्टर श्यामा, जो रंगा है वो अपने पहले बेटे का नाम श्यामा रखता है। इट इज़ हिज ट्रिब्यूट टू द नरेटर, वो इस कहानी के जो लेखक हैं श्यामा जी के श्रद्धांजलि के लिए अपने बेटे का नाम श्यामा रखता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सभी प्यारी प्यारी भाई बहन सभी ने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख रखा है, सभी ने शॉर्ट वीडियो वाला वीडियो देख रखा है। इस वजह से मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आपको बहुत ही अच्छे से पूरी की पूरी स्टोरी पता है, आपको बहुत ही अच्छे से पूरी का पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पता है, ठीक है। तो जब मुझे पता है इस वजह से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मेन पॉइंट आपको बताएं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे जाते हैं ये चीज़ अभी आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वैसे भी आपको पता है लगभग 8-8 नंबर के यानी 8-8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सबसे ज़्यादा मार्क्स हम लोग गेन करते हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, और इसकी हेल्प से थोड़ा सा अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प होती तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन वाला बटन बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको भी दबाइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। और वैसे भी मैं ना थोड़ी कहूँगी, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके बता सकती कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही है, और फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने के बहुत ही जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, और आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।